हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और अभी टाइम तो हो गया है, 9:05 है अभी आप लोगों के साथ मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। और अभी बनाई मैंने कॉफ़ी, उठी तो बहुत पहले थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया है। और कल मैं एडिटिंग करना, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं लगा एडिटिंग करने का। और मॉर्निंग में उठ के और मैंने दो जो वीडियो की, यानी दोनों चैनलों की वीडियो की एडिटिंग की है, अब वो प्रोड्यूस पे लगा दी है। और मैं बना लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी पीनी है तो आप चले आइए, और अभी प्रोड्यूस हो जाएंगी तब मैं उनको अपलोड करूँगी। आज व्लॉग डालने में भी मैं लेट हो गई हूँ तो, और कल थकान, यानी अंदर जो बुखार था ना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, तो इस वजह से भी मैं जल्दी लेट गई थी। तो अभी मेरा रूटीन शुरू होगा। अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया है, बेसिकली एक डेढ़ दो घंटे से तो मैं फ़ोन में ही लगी हुई थी। तो अभी मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी और अनुपमा देख लेती हूँ, और आप लोगों से कॉफ़ी के साथ गुफ्तगू करना तो बनता था, तो गुड मॉर्निंग तो आप लोगों के साथ करनी जरूर बनती थी। तो चलिए मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी और उसके बाद मैं मिलती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी मूली की भुर्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है और ताज़ा मूली है, मैं प्लॉट से उखाड़ के लेके आई थी तो, और बहुत ही मीठी और बहुत ही कच्ची एकदम फ्रेश मूली है, उनकी भुर्जी मैं बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनती है। तो मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी और आप लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करूंगी बाद में। अपन बुला ले पापा ने, बुला ले जा, बुला ले पापा ने जा।
कल शाम में भी मैं एक घंटा सारा घूम के आई थी। अब मूली जो है वो बॉईल करनी रख दी है आधा गिलास पानी डाल के, और यहाँ पे दूध रख दिया है छान के और पतीले में डाल के। अब ये मैं सलाद में काटूंगी, और जो ये छिलके है ना बाहर जैसे ना गाय वगैरह आती रहती हैं तो मैं वहां पे डाल दूंगी और वो गाय खा जाएगी। बेसिकली ये गाय का चारा है। और ये मटर छील दी है। अब जब भी जैसे फ्री टाइम हो ना तो मैं ये चीजें कर देती हूँ। मिर्च के जो नाखू है ना वो तोड़ के और डब्बे में डाल के रख देती हूँ, ये ऐसे छील के रख देती हूँ, और जो गोभी है वो भी ऐसे ही मैं करके रख देती हूँ। और जो हरा साग होता है यानी क्या बोलते हैं उसको, मेथी जो होती है उसको भी चूट के रख देती हूँ, मतलब उसके डंटल वो अलग कर देती हूँ और जो उसके पत्ते हैं वो अलग कर देती हूँ। तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है ना मैं ऐसे काम मैनेज कर लेती हूँ। तो इनको मैं डाल दूंगी नीचे, और गेट के साथ में थोड़ी जगह है वहां पे डाल दूंगी। और अभी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, और ये बर्तन हो गए हैं, ये बर्तन भी मैं साफ करूंगी, और बाकी नहाना पूजा करना डस्टिंग झाड़ू पोछा वो मेरा हो गया है। तो अभी ये मैं निमटा लेती हूँ, और भुजी की जो मूली की भुजी की डिटेल जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहना। अब ये देखो ये ना टमाटर ऐसे भून लेने हैं, और भून के और इसका छिलका उतार के कद्दूकस कर लेना है। और ये मिर्च यहाँ रख दी है, इसमें जो प्याज और लहसुन चॉप कर लिए हैं वो बारीक बारीक, तो इसको, और यहाँ पे जो मूली है वो भी बॉईल हो चुकी है, ये भून है। ये जो छिलका है ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ऐसे करके, और एक स्मोकी फ्लेवर इस भुजी में आ जाएगा। तो आप ऐसे करके देखना, अब यहाँ पे गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और इसको मूली की भुजी को ना मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एक स्मोकी फ्लेवर की बन जाएगी। अब तेल अच्छे से गरम करके और उसमें डाल दी है अजवाइन, जीरा और दो साबुत लाल मिर्च, और अब यहाँ पे लहसुन और प्याज अच्छे से बारीक चॉप करके वो डाल दिए हैं, और साथ में डाल दी है अदरक, और इसको अच्छे से पका के यानी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाऊंगी, और बहुत ही अच्छे टेस्ट वाली ये भुजी बन के तैयार हो जाती है। आप इस तरीके से ना बना के देखना, और लोहे की कढ़ाई में बनाओगे ना तो टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पे प्याज पकने के बाद इसमें डाल दूंगी बेसिक से मसाले, यानी अगर तीखा खाते हो तो लाल मिर्च डाल सकते हो, लाल की बजाय आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो,
और थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर। और धनिया और गरम मसाला मैं घर पे ही बना रखा है, यानी धनिया ज़्यादा और गरम मसाला कम, साबुत मसाले लाकर तब मैंने पीस रखे हैं, तो उसमें ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है गरम मसाला नहीं होता है, तो ज़्यादा धनिया डाल देती हूँ। अब यहाँ पे जो टमाटर मैंने भून के रखे थे उसको कद्दूकस करके रख लिया था, अब ये डाल दूँगी इसमें। और बेसिकली मसाले को ना बहुत अच्छे से भून लेना है, तेल जब तक मसाले से रिलीज़ ना हो जाए ना तब तक हमने मसाला भून लेना है। और देखो अब ये मसाला जो है वो भुन चुका है। अब जब मसाला भुन चुका है तो अब यहाँ पर डाल देना है नमक, और हम सेंधा नमक खाते हैं, आप जो भी नमक खाते हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली जितने भी स्पाइसेस मैंने डाले हैं ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आपकी कितनी सारी सब्जी है उस हिसाब से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर तड़का लगाते लगाते मैं किचन को भी समेट दूँगी, और ऐसे ना फिर टाइम दुगना नहीं लगता है। और अब यहाँ पर जो मसाला पकने के बाद डाल दूँगी हींग एक चुटकी थोड़ा सी भर के, तो जो हींग है और अजवाइन है इससे ना इस भुर्जी में ना चार चांद लग जाएंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट बन के तैयार होता है। अब मसाला पकने के बाद जो ये मूली उबाल रखी है इनको बेसिकली इनका जो पानी था वो मैंने निचोड़ दिया था, और अब इस मसाले के साथ मूली को भून लेंगे, और जितना अच्छे से भून सकते हो ना उतना अच्छे से भून लेना। और बेसिकली जो सब्जी होती है ना वो जब मसाला अच्छे से पक जाता है ना, बहुत ही अच्छे से मसाले को पकाओगे ना और फिर मसाले के साथ सब्जी को भूनोगे और फिर उसको सिम आंच पे बनाओगे या जो पानी ऐड करना हो पानी ऐड करोगे, तो वो सब्जी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और अब यहाँ पे मैं हर बार की तरह वही जो मेरे को शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है कि मैं लास्ट में हरी मिर्च क्यों डालती हूँ, और ये या तो इसमें चीरा लगा के डाल देती हूँ या इनको तोड़ के डाल देती हूँ। और बाद में जैसे मेरे हस्बैंड को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं ना और मेरे को ज़्यादा तीखी सब्ज़ी पसंद है, तो दोनों का काम चल जाए ऐसा बीच बचाव का रास्ता मैं निकाल लेती हूँ। यानी हरी मिर्च मैं ले लूँगी खाना खाने के साथ साथ, और भुर्जी जैसे कम मिर्च की तो वो मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है और गैस को कर दिया बंद, और इसको ढक के और छोड़ दूँगी। बेसिकली ये जो कढ़ाई है ना इसका अपना टेम्परेचर है उसमें, और ये अच्छे से पक जाएगी थोड़ी सी स्टीम में, और बस फिर हमारे खाने की तैयारी हो जाएगी। और ये जो सब भुर्जी है ना ये बना के देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। ये हो गया है मेरा खाना रेडी, और पतिदेव खाना खा के जा चुके हैं, लकी को भी खिला दिया है। अच्छा यहाँ पे मूली है और ये मल्टीग्रेन रोटी है, कचरी की चटनी और मूली की भुर्जी, और ये लस्सी है। तो ये मैं खा लेती हूँ भाई, जिसने खानी हो आ जाओ। दोपहर हो चुकी है यानी 1:40 हो गए हैं। ये हो गया है जी मेरा रात का खाना, और टाइम हो गया है, आज बहुत लेट हो गई है, 8 से ऊपर टाइम हो गया है। तो ये पर्ल मिलेट की रोटी बना ली और ये मूली की भुर्जी दोपहर की बची हुई थी। तो पहले मैं सोच रही थी ओट्स बना लूँ, फिर मैंने सोचा कि ये सब्जी बेकार जाएगी जो कि इतनी मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, तो क्यों ना इसी का इंजॉय किया जाए। और लकी को दिखाती हूँ, ये लकी बैठा है और ये इसका खाना लगा दिया है लेकिन ये अब खा नहीं रहा है, और आज मैं इसको अंडा दे नहीं सकती हूँ, तो ये देखो अब ये खा नहीं रहा है, पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, मैंने तो कोशिश कर ली भाई। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिलन टेक केयर, बाय बाय।